सुबह सुबह का माउंटेन, कितना फॉग है ऊपर। तो मस्त एकदम नहा धो के रेडी हो गए हम, और ऊपर और नीचे भी काला काला पहन लिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ब्लैक ड्रेस में हैं, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत लोग तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। तो बस और यहाँ पे जहाँ आए हैं वहाँ पे तो ब्लैक ही ब्लैक है सब। तो चलिए आ गए हैं हम, कुछ ही दूरी पे हैं बस। तो जहाँ हम आए हैं वहाँ का ये डेमो देख लीजिए, और आप समझ ही गए होंगे कब मैं कहाँ आया हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज़ आयुष। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम हैं इस समय कोयम्बटूर में, और जस्ट हमारे पीछे आदि योगी का स्टैचू है। तो बस मैं कैमरा को रिमूव कर रहा हूँ, ये तो ये आदि योगी का स्टैचू है जो योगा के मुद्रा में है। बस आप लोगों को इनका अच्छे से दर्शन कराते हैं। ये तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, और मैंने शूज यहाँ उतार दिया है। और ये है आदि योगी का स्टैचू, बहुत ही प्यारा लग रहा है, रात को और भी प्यारा लगता है जब इस पर नाइट शो चलता है। तो मैं लास्ट में नाइट शो का वीडियो डाल दूँगा। और यहाँ पे पब्लिक आई है देखने के लिए। ये कोयम्बटूर हाईवे से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, थोड़ा विलेज एरिया है, और यहाँ पे नारियल की खेती और केले की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपको एकदम हम पास से लेके दिखाते हैं। हम एकदम पास में आ गए हैं, और ये दूर से देखा तो हमें लगा कि महादेव जी का जो माला है वो रस्सी का है, लेकिन पास आके दिखा तो इतने सारे रुद्राक्ष को जोड़ के एक बड़ा माला बनाया गया है। आप देख लीजिए इतने सारे रुद्राक्ष है, वो भी असली वाले। महादेव जी को तो रुद्राक्ष पसंद है, सब रुद्राक्ष, इतने सारे रुद्राक्ष को पिरो के एक बड़ा माला बनाया गया है। और ये चारों तरफ त्रिशूल बनाया गया है लोहे की, और इसमें वो पट्टियां लपेटी गई हैं महादेव जी के, काला काला। तो यहाँ आने के बाद एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ गए, एकदम फुल पॉजिटिव। तो मस्त यहाँ कुछ देर बैठने के बाद हम भी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये कुछ लास्ट टाइम आप देख लीजिए, और ये पीछे का नज़ारा, पीछे पर्वत दिख रहा है एकदम मस्त, ये चारों तरफ का वाइब। हर हर महादेव, लुक सो ब्यूटीफुल माउंटेन। अगले महीने यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था, तो यहाँ पे आरजे रौनक, मिस्टर इंडियन हैकर और सदगुरु जी भी आए थे, और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था सेफ सॉइल को लेकर, कि अपना मिट्टी को कैसे बचाएं उसके लिए। तो आप भी सेफ सॉइल में अगर जुड़ना चाहते हैं तो safesoil.com पे जाके, और आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। फ़ोन का बैटरी भी बस 3% बचा है, अब सोच रहा हूँ कहाँ कनेक्ट करूँ, और चलना भी है इतना दूर। देख रहा हूँ पावर बैंक से तो चार्ज कर लूँगा, लेकिन थोड़ा बैटरी ख़राब होने का डर रहता है, इसके वजह से कहीं चार्जिंग लगाता हूँ। कुछ यहाँ का एंट्री है, यहीं से मंदिर गए थे और बाहर निकल रहे हैं। ये छोटा सा तालाब भी है यहाँ पर,